शेर और शार्क दोनों पेशावर शिकारी हैं, लेकिन शेर समुंदर में शिकार नहीं कर सकता और शार्क खुश्की पर शिकार नहीं कर सकती। शेर को समुंदर में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता और शार्क को जंगल में शिकार ना कर पाने की वजह से नकारा नहीं कहा जा सकता। दोनों की अपनी अपनी हदूद हैं जहाँ वो बेहतरीन हैं। अगर गुलाब की खुशबू टमाटर से अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे खाना तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक का मुवाजना दूसरे के साथ कभी ना करें। आपकी अपनी एक ताकत है, उसे तलाश करें और उसके मुताबिक खुद को तैयार करें। कहते हैं हर वो जानदार जो इस दुनिया में मौजूद है हजरत नूह की कश्ती में मौजूद था, जिसमें गूंगा भी शामिल है। अगर खुदा एक गूंगे को नूह की कश्ती तक पहुंचने का इंतजार कर सकता है तो वो खुदा आप और मुझ पर भी अपने फजल का दरवाज़ा उस वक्त तक बंद नहीं करेगा जब तक कि आप ज़िंदगी में अपने मुतवक्को मुकाम तक नहीं पहुंच जाते। कभी खुद को हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि हमेशा खुद से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। याद रखें, टूटा हुआ रंगीन कलम भी रंग भरने के लिए काफ़ी होता है। अपने इख्तिताम तक पहुंचने से पहले खुद को बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल में ले आएं। मवेशी घास खाने से मोटे ताज़े हो जाते हैं, जबकि यही घास अगर दरिंदे खाने लग जाएं तो वो इसकी वजह से मर सकते हैं। कभी भी अपना मुवाजना दूसरों के साथ हरगिज ना करें। अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से मुकम्मल करें। जो तरीका किसी और की कामयाबी की वजह बना है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी साजगार हो। खुदा के अता करदा तोहफ़ों, नेमतों और सलाहियतों पर नज़र रखें और उन तोहफ़ों से हसद करने से बाज रहें जो खुदा ने दूसरों को दिए हैं। खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। हमारे इस चैनल इन्फो राइडर को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।